और एपिलेप्सी डे के दिन आज हम डॉक्टर पीके झा के पास आए हैं। पीके झा, डॉक्टर पीके झा जो है वो सीनियर न्यूरो सर्जन है, और इनसे आइए हम बात करते हैं और जानते हैं एपिलेप्सी के बारे में। सर, एपिलेप्सी यानी जो मिर्गी है, आप उसके बारे में पहले कुछ बताइए कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। देखिए, एपिलेप्सी जो है ये जब तक मानव सभ्यता का ज्ञान हमें हुआ है तब से ही यह बहुत तरह के नामों से जाना जाता है, और अभी भी हालांकि काफ़ी वैज्ञानिक विकास हो चुका है फिर भी इसके बारे में जो मान्यताएं हैं, जो विडंबनाएं हैं अभी भी मौजूद हैं। और आज हम ये बताना चाहते हैं कि एपिलेप्सी अगर है तो कुछ खतरे की बात नहीं ज़्यादा, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। जी तो सर, इसके सिम्टम्स क्या है आप बताइए। देखिए, एपिलेप्सी जो मोस्टली होता है वो आप देखते होंगे कि हाथ पैर चलना शुरू हो जाता है, लोग बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, जीभ कट जाता है और आदमी बिल्कुल देह हाथ को खड़ा कर लेता है। इसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं, जिसको बोलते हैं GTCS, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर इसको कहा जाता है। और करीब करीब आधे सीजर्स जो हैं एपिलेप्सी जो हैं इसको मिर्गी बोलते हैं, इसी प्रकार के होते हैं। लेकिन बहुत सारे सीजर्स होते हैं जो कि बिल्कुल थोड़े से अलग होते हैं, और जिसको जानना ज़रूरी है कि यह मिर्गी ही है, क्योंकि मिर्गी जैसे और भी कई चीज़ें होती हैं जिसको हम अगर मिर्गी समझ लें तो फिर इलाज में दिक्कत हो जाती है या देर हो जाती है। तो मिर्गी बच्चों में जो होती है मोस्टली कभी कभी होती है कि बिल्कुल वो एकाएक सुन्न हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, एब्सेंस जिस चीज़ों सीजर बोलते हैं। किसी किसी में होता है कि एक हाथ पैर फड़कने लगता है, इसको हम पार्शियल सीजर बोलते हैं, चाहे चेहरा फड़कने लगे या हाथ पैर फड़कने लगे, हालांकि उसमें पेशेंट जो है बिल्कुल होश में होता है। कभी कभी आदमी का व्यवहार एकाएक बिल्कुल गुस्सैला हो जाता है और कुछ कुछ बोलने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है, और उसको फिर बाद में उस बात का याद तक भी नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एपिलेप्सी ही कहलाती हैं, मिर्गी ही कहलाती हैं। इसलिए मिर्गी के कई प्रकार होते हैं, इसलिए जब भी पेशेंट्स आता है तो इसमें मिर्गी के प्रकार को जानना ज़रूरी होता है ताकि उसका इलाज फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर, इसके इलाज के बारे में आप बताइए कि किस किस तरह के लोगों को कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। देखिए, सबसे पहले जाना जाए कि मिर्गी जो है बहुत कॉमन है, बहुत लोग तो मिर्गी होता रहता है और अपने पड़ोसियों को भी नहीं बताते, अपने परिवार को भी नहीं बताते, डॉक्टर तक तो आते ही नहीं, क्योंकि जो भ्रांतियाँ हैं, जो विडंबनाएँ हैं, उसके कारण से लोग बताना नहीं चाहते, सोचते हैं कुछ बहुत बुरा चीज़ है उसके लाइफ में, कोई जादू टोना हो गया है, कोई भूत प्रसाद आ गया है, और लोग उससे भागते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर मिर्गी को पहले मैं बता दूँ कि मिर्गी होता क्यों है। जो हमारे दिमाग की जो गतिविधियाँ हैं बहुत तेज़ हैं, हमारा दिमाग जो है सबसे ज़्यादा फंक्शनल एक्टिव टिशू है। हम सो जाते हैं, हमारे मसल का ब्लड सप्लाई, लीवर का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, लेकिन ब्रेन का ब्लड सप्लाई उतना ही रहता है। बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, हम सोचते रहते हैं जब सोते रहते हैं फिर भी, तो ब्रेन की जो इतनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो ब्रेन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उठती है, और ब्रेन का एक फंक्शन ये भी होता है कि जो एक्सेस एक्टिविटी है उसको हम दबाते भी हैं ताकि आदमी न्यूट्रल रहे। अगर इतनी एक्टिविटी अगर मिसडायरेक्टेड हो जाए तो हर कोई भाग दौड़ करता रहेगा, हर को मिर्गी होती रहेगी। तो मिर्गी जो है करीब करीब 3-4% लोगों में आपको देखने को मिलेगा अगर हम मशीन से नापें उनकी तो एक्टिविटी को, लेकिन दिखता बहुत कम में है, क्योंकि जो ब्रेन जो है मैक्सिमम एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है, दबा देता है, इसलिए दिखता नहीं है। तो ब्रेन में ये जो हाइपर एक्टिव एंड सप्रेशन ये चलता रहता है। जब सप्रेशन वाला पार्ट जो है जब डिसफंक्शनल हो जाता है या कहीं एक्टिविटी इतनी ज़्यादा उठने लगती है तभी मिर्गी देखने को मिलता है। तो हमारा यही काम होता है कि किस एरिया में एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है या कौन सा एरिया जो सप्रेस करने के लिए है वो काम नहीं कर रहा है, दोनों के बैलेंस को कहाँ खराबी है, ये हम मशीन द्वारा चेक करते हैं। तो इसीलिए हर एपिलेप्सी को अलग अलग कारणों से हम जानते हैं और उन्हें उसको उसकी तरह की जांच होती है कि किस कारण से एपिलेप्सी हो रहा है। मैक्सिमम केस में जो है कुछ मिलता नहीं है, मतलब ये ब्रेन का फंक्शनल प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ स्ट्रक्चरल रीजन मिलता है, जो MRI CT स्कैन हम कराते हैं, कभी कभी ब्रेन ट्यूमर के कारण से होता है, कभी कभी इन्फेक्शन के कारण से होता है, कभी कभी ब्रेन में कुछ खराबी बचपन से हो जाती है उसके कारण से होता है, तो कारण को जान करके उसका इलाज अब संभव है। और करीब करीब 90-95% एपिलेप्सी जो है अभी बिल्कुल ही कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ परसेंट एपिलेप्सी हैं जो कि इसमें मैक्सिमम
बहुत सारे ड्रग्स देने पड़ते हैं, बहुत हाई डोज देने पड़ते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होते, लेकिन उसका भी इलाज है, उसका भी इलाज हम ऑपरेशन द्वारा कर सकते हैं। कुछ ऐसे एपिलेप्सी हैं जो कि दवाइयों से ठीक नहीं होते, तो ब्रेन के ऐसे एरिया को जहाँ से एक्टिवेशन उठ रहा है उसे हटाना पड़ता है ताकि एपिलेप्सी कंट्रोल हो सके। तो सर, एक बार अगर इसका इलाज कराया जाए और पेशेंट ठीक हो जाए तो क्या ये जड़ से ख़त्म हो जाती है या फिर दोबारा होने का चांसेस है इसमें? देखिए, मैक्सिमम केस में यही होता है कि लोग दवा तो लेते हैं और देखते हैं कि एपिलेप्सी नहीं हो रहा तो दवा बंद कर देते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक है। एपिलेप्सी क्या होता है, जैसे ही आपका दिमाग में दौरा उठता है तो उस समय ब्रेन का वो हिस्सा और भी डैमेज हो चुका होता है, जैसे ही वो एक्टिविटी उठती है तो जब ख़राब हो जाता है वो दिमाग हिस्सा एपिलेप्सी के कारण से, तो फिर और एपिलेप्सी उससे उठने शुरू हो जाता है। तो दवाइयों का काम यह है कि एपिलेप्सी को जो एक्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसके उठने ना दे, और जब वह ऐसा होता है तो फिर 2-3 साल के अंदर ब्रेन का वो हिस्सा फिर हील हो जाता है, उसमें उसके घाव भर जाते हैं और फिर एपिलेप्टिक सीजर्स वहाँ से नहीं उठते। इसलिए कम से कम लास्ट एपिलेप्सी अगर हुआ है आपको तो 3 साल तक कम से कम दवा ज़रूर लेनी चाहिए, भले ही आपको दौरा पड़ रहा हो या नहीं रहा हो। उसके बाद फिर हम जाँच करके देखते हैं कि उस एरिया से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अब भी नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे डोज को कम करते हैं और तभी दवा को बंद करना चाहिए। इसीलिए एपिलेप्सी का सही तौर से इलाज किया जाए तो मैक्सिमम एपिलेप्सी हम सही कर सकते हैं। सर, जो पेशेंट आपके पास आते हैं एपिलेप्सी की बीमारी को लेकर, तो किस टाइप की एपिलेप्सी की बीमारी को लेकर आती है, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स होते हैं एपिलेप्सी में, तो किस टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं आपके पास कि उन जब ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तब, तो किस टाइप में ज़्यादा लोग आते हैं? देखिए, मैक्सिमम जो सीजर्स होते हैं वो यंग एडल्ट्स बच्चे में होता है, और ऐसे केस में जो सीजर्स होते हैं वो किसी ब्रेन ट्यूमर या किसी ऐसे कारण से नहीं होता, बचपन से कुछ पैदाइशी इसमें ब्रेन में ऐसे प्रोग्रामिंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो मैक्सिमम सीजर ऐसे ही होते हैं जिसमें कि सिर्फ दवाइयों से लोग ठीक हो सकते हैं, और करीब करीब आधे से 50-60% सिंगल मेडिसिन से वो क्योर हो जाते हैं और 2-3 साल के बाद दोबारा दौरा नहीं पड़ता, बशर्ते कि वो बीच में दवा ना छोड़ें। कुछ एपिलेप्सीज होते हैं जिसमें कि जैसे मैंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर्स हैं, इन्फेक्शन हैं, कुछ पानी जमा हो जाना है, ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चरल लीजन्स हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एडल्ट में जो जनरली जो पेशेंट बड़े हो जाते हैं या ओल्ड एज में सीजर्स अगर होता है तो मैक्सिमम केस में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल लीजन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये पैदाइशी जो सीजर होता है वो बचपन में और एडल्ट में ज़्यादा मिलता है। लास्टली सर, हमारे दर्शकों को, यहाँ भागलपुर की जनता को अवेयर करने के लिए इस बीमारी के बारे में आप कुछ बताएं? देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि एपिलेप्सी कोई भूत पिशाच की बात नहीं है, कोई सामाजिक विडंबना ना पालें। जिसको भी एपिलेप्सी है उसके प्रति सहानुभूति रखें, ऐसे बीमारी ठीक हो सकता है, वो व्यक्ति खराब नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर सही जांच किया जाए तो उसका इलाज हो सकता है। जब भी दौरा पड़े तो आपको कुछ घबराने की पहले ज़रूरत नहीं है, उसके हाथ पैर को ना पकड़ें, उसको करवट दिला दें ताकि उसको सांस मिले, और उसके जो टाइट पैंट्स हैं, बटन हैं, उसको लूज़ कर दें ताकि उनको वो टाइटनेस ना रहे। ध्यान रखें कि उनके हाथ पैर कहीं कोई नुकीली चीज़ पे चोट ना लगे, ऐसे पैडिंग्स तकिया आसपास दे दें ताकि हाथ पर छटपटा रहे हैं तो फर्श के नीचे कुछ पैडिंग लगा दें ताकि चोट ना पहुँचे। हाथ पैर वो ज़ोर से चला रहे हैं तो उन्हें जो पकड़ने की ज़रूरत नहीं। मैक्सिमम एपिलेप्सी जो है 2 या 3 मिनट में अपने आप रुक जाती है। तो लोग बहुत लोग जूते सुखाने लगते हैं, प्यास सुखाने लगते हैं, इससे कुछ नहीं होता, सोचते हैं कि उससे सुखाने से बंद हो गया, उसके सुहाने से नहीं होता, इससे ही 2-3 मिनट में एपिलेप्सी बंद हो जाती है, मिर्गी बंद हो जाती है। तो घबराना नहीं है, और उसके बाद जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसकी सारी जांचें होनी चाहिए और जो इलाज है वो शुरू करना है, और बीच में दवा को ना कम करना है ना छोड़ना है बिना डॉक्टर से पूछे। तो ये थे हमारे साथ सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर पी के झा। कैमरामैन सुमित के साथ मैं विजेता घोष, सिल्क टीवी।